हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज अपने पार्टी के टिकट पर सिकंदरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे प्रफुल्ल मांझी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नीतीश सरकार के कामों की जमकर तारीफ की, जबकि तेजस्वी द्वारा 10 लाख नौकरी देने की बात पर उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को वह ठगने के फिराक में है। अभी मैंने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे और 4 लाख नौकरी है, 14 लाख में करीब करीब 1,17,000-18,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। बिहार का बजट जब 2,17,000 करोड़ का है तो 1,00,000 करोड़ में बिहार का विकास है संभव? इसका मतलब उनको विकास से मतलब नहीं है, युवा उन लोगों को सिर्फ ठगना चाहते हैं। सरकारी नौकरी उतनी हो ही नहीं सकती है, और दूसरे ओर नीतीश कुमार जी ने तो उन लोगों को नौकरी देने का एक इंतजाम पुख्ता कर दिया। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि अगर वो दलित के नेता रहते तो न्यायपालिका प्रमोशन में आरक्षण और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात भी कहते। अगर दलित के नेता रहते तो न्यायपालिका में आरक्षण या प्रमोशन में आरक्षण या निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कभी करते? तो कभी तो नहीं किए, उनके पिताश्री भी नहीं कर रहे हैं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी निश्चित तौर पर एक बेहतर नेता हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को बखूबी स्वीकार किया था, लेकिन अब लोगों से वोट लेना है तो पुरानी हर बातों को भुलाकर सब विभाग दिखाने में लगे हैं, जो कहीं से बेहतर नहीं है। जनता सजग है, इस बार का चुनाव सिर्फ सब्ज बाग पर नहीं जीता जा सकता। लाइव इंडिया के लिए जमुई से प्रशांत किशोर की रिपोर्ट।